नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग क्लास को शेयर करें और क्लास के अंत तक बने रहें। देखिए, जो इसमें हमारे क्वेश्चन रखे गए हैं, इसमें चारों ऑप्शन को डिफाइन करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाला एग्जाम है उससे ऑप्शन से भी अगर क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सभी लोग क्लास को शेयर करें पहले तो, और सभी लोग जल्दी से क्लास में आए ताकि जो हमारी क्लास है जल्दी से स्टार्ट हो सके। और सभी लोग क्लास के अंत तक रहें, बीच में वीडियो छोड़कर ना जाएं, ताकि क्लास अच्छे से क्लियर हो जाए आप सभी लोगों की। और पैट का एग्जाम बहुत नजदीक हमारा लगा हुआ है, तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। क्वेश्चन हमसे पहला क्या पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि क्या थी। तो ऑप्शन ए इसमें देखिए हमारा दिया गया है अज्ञात, ऑप्शन बी दिया गया है ब्राह्मी, ऑप्शन सी देखिए दिया गया है खरोष्टी, ऑप्शन डी है तमिल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि हमसे पूछी गई है, तो इसकी लिपि क्या है अज्ञात, इसकी लिपि थी। अब अज्ञात का मतलब क्या होता है, अब इस लिपि का अन्य नाम भी है, तो अन्य नाम क्या है इस लिपि का, भाव चित्रात्मक। लिपि का अन्य नाम क्या है, भाव चित्रात्मक। अब देखिए जो भाव चित्रात्मक दिया गया है इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाव के माध्यम से इस लिपि को समझा जाता था। जैसे मान लीजिए ये कोई संबल बना है, ये कोई संबल बना है, अगर किसी ने इसको कोई नाम दे दिया, मान लो पेड़ का नाम दे दिया, तो वो वहां से पेड़ हो गया। इसीलिए जो वो समझ लेते थे भाव के माध्यम से वही लिपि कहलाती, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, भाव चित्रात्मक पड़ा। अब देखिए ये लिपि लिखी किस तरह जाती थी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिपि ये किस तरह लिखी जाती थी, तो राइट से ये लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी दाएं से बाएं ओर की तरफ ये लिपि लिखी जाती थी। अब ये लिपि की लिखावट को क्या कहते थे, अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर की ओर लिखी जाती थी, उस लिपि की लिखावट को क्या कहते थे, तो ब्रुष्टोफेदम। ब्रुष्टोफेदम उस लिपि की लिखावट को कहते थे जो दाएं से बाएं ओर की तरफ लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या रहेगा, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, यानी जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो ऑप्शन देखिए सभी लोग एक बार, विपासा, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा इसमें विदस्ता, ऑप्शन सी है पुरुषडी, ऑप्शन डी है आस्तिनी। तो इसमें सभी लोग एक बार जल्दी से रिप्लाई करें कि जो हमारा झेलम नदी है हमारी उसका प्राचीन नाम क्या था। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी लोग आ चुके हैं, जल्दी से क्वेश्चन का रिप्लाई करें कि जो हमारी झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, सभी लोगों की रिप्लाई आ चुके हैं, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता, क्या था, विस्तता था। अब देखिए ये हमारी पुरुषडी और विपासा और आसिनी ये भी प्राचीन नाम दिए गए हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए ये किन नदियों के प्राचीन नाम है। जो हमारी विपासा नदी दी गई है इसका वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम है ब्यास। कौन सी नदी है, ब्यास। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो विपासा हो जाएगा ब्यास नदी का प्राचीन नाम। अब देखिए अगला नाम हमारा दिया गया है इसमें आस्तिनी, तो आस्तिनी अगर पूछा जाए कि आस्तिनी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। किसका, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, आस्तिनी है। अगर ऑप्शन सी दिया गया है पुरुषडी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो पुरुषडी था, सॉरी रावी नदी का नाम क्या था, पुरुषडी था। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पुरुषडी का वर्तमान नाम क्या है, तो रावी नदी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया, वितस्ता, ये झेलम नदी का प्राचीन नाम था। अगर विपासा का प्राचीन वर्तमान नाम पूछे तो ब्यास नदी हो जाएगा, पुरुषडी का वर्तमान नाम रावी नदी हो जाएगा, आस्तिनी का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, चेनाब नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करते हुए चले क्वेश्चन के सभी आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा
सा प्रतीक चिन्ह बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है, यानी जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने जो गृह त्याग किया था तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है पीपल बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी दिया गया है स्तूप, ऑप्शन सी दिया गया है घोड़ा और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा कमल एवं सांड। तो सभी लोग रिप्लाई करें कि कौन सा प्रतीक चिन्ह है जो बौद्ध धर्म के गृह त्याग से संबंधित है। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें। तो सभी लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं। इसमें जो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, घोड़ा था गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। आप ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है पीपल काम बोधि वृक्ष। देखिए जो पीपल ये एक वृक्ष था जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बाद में यह वृक्ष क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पीपल कामा बोधि वृक्ष ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन बी दिया गया स्तूप, तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, स्तूप। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्तूप। ऑप्शन डी दिया गया है कमल एवं सांड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कमल एवं सांड, ये जन्म का प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया घोड़ा, जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग घटना का प्रतीक चिन्ह हो गया। अगर ज्ञान प्राप्त की बात की जाए तो ज्ञान प्राप्त की हो गया पीपल या बोधि वृक्ष। मृत्यु की बात की जाए कि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो स्तूप हो गया और जन्म का कमल एवं सांड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा क्या कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का जो कलिंग युद्ध था उसका वर्णन किस शिलालेख में किया गया था, जो अशोक द्वारा शिलालेख लिखवाए गए थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा इसमें 13वें शिलालेख में, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा दूसरे शिलालेख में, ऑप्शन सी दिया गया है 14वें और ऑप्शन डी है हमारा इसमें 10वें शिलालेख में। तो सभी लोग फटाफट रिप्लाई करें कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कलिंग युद्ध का वर्णन है ये 13वें शिलालेख में दिया गया है। टोटल शिलालेख अगर पूछे जाए कि कुल शिलालेख कितने थे, तो 14 संख्या थी कुल शिलालेखों की। और ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी दिया गया है दूसरे शिलालेख में। तो दूसरे शिलालेख में क्या दिया गया था, मनुष्य एवं पशु के स्वास्थ्य का वर्णन। यानी जो दूसरा शिलालेख है इसमें क्या दिया गया कि मनुष्य का भी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए और जो पशु हैं उनकी भी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये किस शिलालेख में दिया गया था, दूसरे शिलालेख में दिया गया था कि मनुष्य और पशु दोनों बराबर होने चाहिए, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बराबर की देखरेख होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 14वें शिलालेख में क्या था, तो 14वें शिलालेख में था सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाता था। 14वें शिलालेख में अशोक के 14वें शिलालेख में क्या है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया था। ऑप्शन डी दिया गया है इसमें 10वें शिलालेख में। तो 10वें शिलालेख में क्या दिया गया है, जो राजा होगा और उच्च पद पर जो अधिकारी होंगे, राजा कामा उच्च पद पर अधिकारी, ये हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ये किस शिलालेख में दिया गया है। तो 10वें शिलालेख में दिया गया है राजा कामा उच्च पद के अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ये 10वें शिलालेख में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग एक बार, निम्न में से कौन सा कार्य अकबर का नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार्य है हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है जो अकबर के द्वारा नहीं किया गया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इसमें हमारा दास प्रथा का अंत, ऑप्शन बी दिया गया है तीर्थ यात्रा कर समाप्त, ऑप्शन सी दिया गया है इबादत खाने की स्थापना और ऑप्शन डी दिया गया है दीन ए कोही की स्थापना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कार्य है जो अकबर के द्वारा नहीं किया गया था। तो सभी लोग फटाफट रिप्लाई करें कि ऐसा कौन सा चारों ऑप्शंस में से कार्य दिया गया है जो अकबर ने नहीं किया था। सभी लोग दे, सभी को गुड इवनिंग क्लास। जल्दी से रिप्लाई करें कि इसमें कौन सा आंसर होगा, अकबर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया था।
तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए लोधी। इसकी स्थापना अकबर के द्वारा नहीं की गई थी, यानी अकबर ने दीवान ए लोधी का की स्थापना नहीं की थी। बात बाकी जो हमारे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा का समाप्त और इबादत खाने की स्थापना, ये तीनों की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कहाँ पर की थी, तो इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में स्थापना की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। और किसकी स्थापना की थी? इबादत खाने की स्थापना की थी। अब देखिए ऑप्शन डी जो हमारा, इसमें अकबर ने ये कार्य नहीं किया, तो ये कार्य किसने किया? दीवान ए कोही, इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवान ए कोही की स्थापना। तो ये किससे संबंधित थी? तो ये कृषि से संबंधित थी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और जो दीवान ए कोही है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कृषि से। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए हमारा क्या दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है 6 अप्रैल 1930 में, ऑप्शन बी है हमारा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी दिया गया है इसमें हमारा 1907 में, ऑप्शन डी दिया गया है 19 मार्च 1919 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग एक बार रिप्लाई करें कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका प्रारंभ कब हुआ था। सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 में। अब ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन से अगर हमारा क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आप क्लियर कर लोगे। तो ऑप्शन बी है हमारा इसमें 13 अप्रैल 1919 में। बहुत ही एक प्रसिद्ध घटना हुई थी जिसकी डेट यहाँ पर दी गई है 13 अप्रैल 1919 में। क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। अब ऑप्शन सी है हमारा 1907, तो 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था। ऑप्शन डी दिया गया है 19 मार्च 1919, तो 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, यानी जो हमारा महाद्वीप है, कौन सा? एशिया महाद्वीप, ये जो विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, यानी एशिया है वो कितने परसेंट भूभाग में है? तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है हमारा 60%, ऑप्शन बी दिया गया है 30%, ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी दिया गया है 29%। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग रिप्लाई करें कि जो एशिया महाद्वीप है, ये कितने परसेंट भूभाग पर विस्तृत है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30% भूभाग पर विस्तृत है। अब देखिए इसकी भूमि कितनी है एशिया महाद्वीप की, 30% भूमि है। अगर जनसंख्या की बात की जाए कि पूरे विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, तो 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। मान लीजिए पूरी 100% जनसंख्या और 60% किस महाद्वीप में निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और देखिए सर्वाधिक देशों में अगर जनसंख्या पूछी जाए तो फर्स्ट पर कौन सा है, चाइना है, सेकंड पर हमारा कौन सा देश है, भारत देश है। अगला इसमें देखिए ऑप्शन सी दिया गया है 71%,
70% जल है तो पूरे भूभाग पर 71% जल है। अगर पृथ्वी पूछी जाए कि कितने परसेंट भूभाग पर पृथ्वी है तो पृथ्वी हमारी हो जाएगी 29% भाग पर। 71% पर जल होने के कारण ही हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण ही हमारी पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया 30% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या हमारी 60% निवास करती है, भूभाग कितना है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया कि एशिया का जो पेरिस है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए बंगलुरु, ऑप्शन बी है हमारा इसमें थाईलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है हांगो, ऑप्शन डी दिया गया है केरल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? तो एशिया का पेरिस कहते हैं केरल को। किसे कहते हैं एशिया का पेरिस? केरल को कहते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है बंगलुरु, तो बंगलुरु किसे कहते हैं? ये भारत का पेरिस कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। अगर थाईलैंड की बात की जाए कि थाईलैंड को क्या कहते हैं, तो इसको एशिया का पेरिस कहते हैं। इसको थाईलैंड को कहते हैं। और जो हमारा केरल दिया गया है इसको क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है हांगो। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन का सोक किसे कहते हैं, तो हांगो नदी को कहते हैं। चीन का सोक किसे कहते हैं? हांगो नदी को कहते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि बिहार का सोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं, बंगलुरु को भारत का पेरिस कहते हैं, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, हांगो इसको चीन का सोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न देशों में बेरूत किस देश की राजधानी है? यानी जो राजधानी दी गई है बेरूत, ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी बेरूत है? तो ऑप्शन ए देखिए लेबनान, ऑप्शन बी दिया गया है फिलीपींस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है जापान। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग रिप्लाई करें, बहुत इजी राजधानी है हमारी बेरूत और किस देश की है? तो जो बेरूत राजधानी है ये किस देश की है? लेबनान की। किस देश की राजधानी है? लेबनान की। ऑप्शन और भी देख लीजिए, ऑप्शन बी है हमारा फिलीपींस। तो फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? मनीला है। ऑप्शन सी दिया गया है इजराइल, तो इजराइल देश है इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल देश की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। ऑप्शन डी दिया गया है जापान, तो जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया लेबनान, इसकी राजधानी थी बेरूत, फिलीपींस इसकी राजधानी थी मनीला, और इजराइल इसकी राजधानी थी जेरूसलम, ऑप्शन डी था जापान, तो इसकी राजधानी थी टोक्यो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है, निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। ऑप्शन ए देखिए हमारा इसमें क्या दिया गया है? भूटान। ऑप्शन बी दिया गया है नेपाल। ऑप्शन सी है हमारा इसमें बांग्लादेश। ऑप्शन डी दिया गया है म्यांमार। एक हमारा क्वेश्चन राज्य से पूछा जाएगा, राजधानी से पूछा जाएगा, दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से मुद्रा वाला क्वेश्चन, यानी किस देश की मुद्रा क्या है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को एकदम नोट कर लें कि जो हमारा देश दिया गया है कौन सा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। तो सभी लोग रिप्लाई करें कि जो कौन सा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल ऐसा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। और देखिए भारत कॉमा पाकिस्तान, दो देश ऐसे और हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान दो देश हैं जिनकी मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत पाकिस्तान नेपाल तीन देश जिनकी मुद्रा क्या है? रुपया है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन
ए दिया गया भूटान, तो भूटान इसकी पहले राजधानी देखिए थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा क्या है नुबल्ट्रम, मुद्रा क्या है नुबल्ट्रम, मुद्रा है राजधानी है थिम्पू। अगला ऑप्शन देखिए बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा क्या है टका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन देखिए म्यांमार, इसकी राजधानी हो जाएगी नेपाइताव, नेपाइताव और मुद्रा क्या हो जाएगी क्या, मुद्रा क्या हो जाएगी क्या का क्या, यानी जो बर्मा म्यांमार देश है इसकी राजधानी हो जाएगी नेपाइताव, मुद्रा अगर पूछी जाए तो मुद्रा हो जाएगी हमारी क्या। अब देखिए जो ये म्यांमार देश है इसका प्राचीन नाम क्या था, सभी लोग एक बार रिप्लाई करें कि म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा राइट हो गया, नेपाल देश, इसकी मुद्रा क्या है रुपया है, भारत पाकिस्तान दो देश और हैं जिनकी मुद्रा क्या है रुपया है, भूटान इसकी राजधानी थिम्पू है मुद्रा है नुबल्ट्रम, बांग्लादेश इसकी राजधानी क्या है ढाका है मुद्रा क्या है टका है, म्यांमार इसकी राजधानी क्या है नेपाइताव है मुद्रा क्या है क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हमारा क्या है, तुजुक दर्रा किस राज्य में है, यानी दर्रा से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो कौन सा दर्रा है तुजुक दर्रा है ये किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए देखिए सिक्किम, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया गया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया गया है बनिहाल। तो सभी लोग रिप्लाई करें एक बार कि जो तुजु दर्रा है वो किस राज्य में है, तुजु दर्रा हमारा है वो किस राज्य में है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मणिपुर, इस राज्य में मणिपुर राज्य में कौन सा दर्रा है तुजु दर्रा है। अब देखिए ऑप्शंस भी देख लीजिए, ऑप्शंस ए है हमारा सिक्किम, तो सिक्किम में कौन कौन से प्रसिद्ध दर्रे हैं, तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा जयलेपला दर्रा ये किस राज्य में है सिक्किम राज्य में है। अब देखिए उत्तराखंड दिया गया, तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा, कौन कौन से दर्रे हैं माना दर्रा नीति दर्रा किस राज्य में है उत्तराखंड में, एक एक पॉइंट नोट कीजिए ताकि जो हमारा आगामी एग्जाम लगा हुआ है शायद हमारा उससे क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर फंसने वाला है मेरे भाई, तो सभी लोग इस क्लास को नोट कर लें ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी दिया गया हमारा बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल ये किस राज्य में है जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया था मणिपुर में कौन सा दर्रा है तुजु दर्रा है, एकमात्र दर्रा है मणिपुर राज्य में वो कौन सा है तुजु दर्रा है, और नाथुला दर्रा जयलेपला दर्रा ये हमारे सिक्किम राज्य में है, माना दर्रा नीति दर्रा ये हमारे उत्तराखंड राज्य में है, बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, यानी भारत का कितना क्षेत्रफल है जिस पर कृषि की जाती है, तो ऑप्शन ए देखिए 51%, ऑप्शन बी दिया गया 4%, ऑप्शन सी दिया गया 21%, ऑप्शन डी दिया गया है 24%। तो सभी लोग रिप्लाई करें कि भारत में कुल कितना क्षेत्रफल है जिस पर कृषि की जाती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत में कुल क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, तो वो क्षेत्रफल कितना है 51% क्षेत्रफल है जिस पर कृषि की जाती है। अब आप सोचोगे कि बाद बाकी परसेंटेज उसका क्या होगा, तो देखिए 4% जो हमारा है इसमें, तो इसमें क्या है चारागाह है, और जो 21% है इस पर वन है, और जो 24% दिया गया है ये हमारी भूमि बंजर पड़ी है, यानी आज भी बहुत सी भूमि बंजर पड़ी है, और जो 21% है यहाँ पर बन दिए गए हैं, 4% पर हमारा चारागाह है और 51% भाग पर कृषि की जाती है जो भूमि उपजाऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बहुत ही प्रसिद्ध हमारा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए देखिए केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग का गेंडा। एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो किस राज्य में है, असम राज्य में है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा केरल, तो केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, केरल राज्य में। ऑप्शन सी दिया गया गुजरात, तो गुजरात में एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क चंद्र प्रभा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, दुधवा नेशनल पार्क चंद्र प्रभा। अब इसमें हमारा राष्ट्रीय राइट आंसर क्या हो गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये, असम राज्य में पाया जाता है, जो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार ये केरल राज्य में पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात राज्य में पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कामा चंद्र प्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे यूपी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, निम्न राज्यों में आइजोल किस राज्य की राजधानी है, यानी जो आइजोल राज्य राजधानी दी गई है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, आइजोल है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा गोवा, ऑप्शन बी दिया गया है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया गया है मिजोरम, ऑप्शन डी दिया गया है झारखंड। तो सभी लोग रिप्लाई करें, बहुत ही इजी राजधानी दी गई है और सभी राज्यों की राजधानी आप सभी को याद भी होनी चाहिए और होंगी भी, इसलिए आप सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दें कि जो आइजोल राजधानी दी गई है ये किस राज्य की राजधानी है। तो सभी लोगों का रिप्लाई आ चुका है और राइट आंसर आ चुका है, तो उसमें कौन सी राजधानी है, मिजोरम ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, आइजोल है। अन्य राज्य भी देख लीजिए, गोवा हमारा राज्य दिया गया है, तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी गोवा की राजधानी है। ऑप्शन बी दिया गया है तेलंगाना, तो इसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी। ऑप्शन डी दिया गया है झारखंड, तो झारखंड राज्य की राजधानी हो जाएगी रांची, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। गोवा जो हमारा राज्य है इसकी राजधानी है पणजी, तेलंगाना इसकी राजधानी है हैदराबाद, और झारखंड इस राज्य की राजधानी है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यानी जो लोक नृत्य है उनसे संबंधित क्वेश्चन है ये हमारा, और इसमें शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो हमसे पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, वो किस राज्य का है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा मणिपुर, ऑप्शन बी दिया गया है केरल, ऑप्शन सी दिया गया है ओडिशा, ऑप्शन डी दिया गया है तमिलनाडु। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का। देखिए याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो मणिपुरी हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए केरल, तो केरल का राष्ट्रीय जो शास्त्रीय लोक नृत्य है वो क्या हो जाएगा, कथकली। केरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा है, तो कथकली केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है। अब देखिए ओडिशा, इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य। इसमें ऑप्शन डी दिया गया तमिलनाडु, तो इसका राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य, तो वो है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया मणिपुर, इसका शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, और केरल इसका शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और जो ओडिशा दिया गया इसका है ओडिसी, और जो तमिलनाडु है इसका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करें और सभी लोग क्लास को शेयर करें। इसके आगे आपको पढ़ाएंगी शशि मैम, तो पढ़िए आराम से।
जय हिंद साथियों, मैं शशि आप सभी का जयस अकादमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्नों का निचोड़, जो कि हमारा आगामी एग्जाम पैट है उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो इतने प्रश्न हैं इनमें से कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते कि वायु की गति मापने का यंत्र क्या है। प्रश्न क्या है इसमें कि वायु की गति मापने का यंत्र है, जो वायु है किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है एनीमोमीटर से, किससे, एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न क्या है इसमें, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पराश्रव्य तरंग है। क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंग है। अगला प्रश्न क्या है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें जो हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक हैं वो कौन से हैं, तो वो है निकिल। क्या है, निकिल। अगला प्रश्न क्या है इसमें, बिरसड टेस्टीज द्वारा स्रावित नर्वलिंग हार्मोन्स है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। जो ब्रसर टेस्टीज द्वारा स्रावित नर्वलिंग हार्मोन्स है कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। किसी लिंगी फुसफुस के लिए निम्न में से एक उदाहरण है। प्रश्न क्या है कि एक लिंगी पुष्प के लिए निम्न में से एक उदाहरण है, तो इनमें कौन कौन से ऐसे पुष्प हैं जो एक लिंगी होते हैं, फल हैं, वो है पपीता और तरबूज। क्या है, पपीता। और प्रश्न क्या है इसमें, एक धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। प्रश्न क्या कि जो एक धातु होती है उसके तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा इसमें, नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यता आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, विकार कहलाता है। क्या प्रश्न है कि नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यता आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, ये परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जरा दृष्टिता। क्या कहलाता है, जरा दृष्टिता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा इसमें, अति चालकता से वांछित निम्न में से तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। प्रश्न क्या है कि अति चालकता हेतु वांछित निम्न में से तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में निम्नलिखित प्रयुक्त होता है, तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है, वो होता है हीलियम। क्या होता है, हीलियम। अगला प्रश्न दिया गया इसमें कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो हमारा डायनमो यंत्र होता है वो ऊर्जा को परिवर्तित किस करता है, किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा में, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न दिया गया है, बेहतरीन स्वर्ण साल का रंग होता है, जो स्वर्ण साल होती है इसका रंग कैसा होता है, तो वो होता है लाल। कैसा होता है, लाल। अगला प्रश्न क्या है इसमें, एंजाइम सहायक होते हैं, जो हम मनुष्य में एंजाइम पाए जाते हैं वो किसके लिए सहायक होते हैं, तो वो होते हैं भोजन को पचाने के लिए, एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि निम्न में से तंत्रिका के भाग हैं, इसमें कौन कौन से भाग हैं जो तंत्रिका के भाग हैं, तो वो है संग्रहण वाहिका, कोशिका निकाय और केंद्रक। कौन कौन से हैं, संग्रहण वाहिका, कोशिका निकाय और केंद्रक, ये तंत्रिका के मुख्य भाग हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और उसमें लगातार उसे लगातार घुमाया जा रहा है, यदि डोरी अचानक से टूट जाती है तो पत्थर कहाँ गिरेगा जाके। क्या प्रश्न है कि एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है, तो अचानक से पत्थर
अगर डोरी छूट जाए तो पत्थर कहाँ गिरेगा जाके, तो वो गिरेगा वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? वृत्ताकार पथ से जब घुमाते हैं तो वृत्ताकार गोल गोल ही घुमाते हैं, तो वो फिर स्पर्श रेखा से किस दिशा में जाएगा? तो स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, केंद्र बिंदु की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। प्रश्न क्या है इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो क्या है ये क्या होते हैं? एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या है कि एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय किरण की परिघटना कहलाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? आवृत सारणी का आविष्कार किसने किया? प्रश्न क्या है इसमें कि आवृत सारणी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? दामित्री मेंडलिक ने। और कब किया? वो किया 1869 में। किसका आविष्कार? आवर्त सारणी का आविष्कार दामित्री मेंडलिक ने किया, 1869 में किया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रबड़ को बलकित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। प्रश्न क्या है इसमें कि रबड़ को बलकित करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? रबड़ में कौन से तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सल्फर। क्या है? सल्फर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसे अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क होती हैं मेंडुला द्वारा, किसके द्वारा होती हैं? मस्तिष्क का भाग है मेंडुला, उसके द्वारा रक्तचाप, लार आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें हमारा विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को कहा जाता है। क्या प्रश्न है कि जो विद्युत आवेश का जो प्रभाव धारा प्रभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वायु के संपर्क में आने पर चांदी के कारण, चांदी किसके कारण काली पड़ जाती है। प्रश्न क्या है इसमें कि वायु के संपर्क में आने पर चांदी के बनने के कारण काली पड़ जाती, किसके कारण चांदी काली पड़ जाती है? तो पड़ जाती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? Ag2S। क्या होता है? Ag2S सल्फर सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता शरीर क्रिया रोधी होती है। क्या प्रश्न है कि निम्न में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रिया रोधी होता है, वो किसमें होता है? अमाशय अम्ल में। किसमें? अमाशय अम्ल में जन्मजात रोग से प्रतिरोधिका का शरीर क्रिया रोधी किसके द्वारा होती है? अमाशय के अम्ल में। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न दिया गया है माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। प्रश्न क्या है इसमें? एक बार फिर से देखिए कि मायोटेटिक सेल विभाजन के किस चरण में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? कब कब होते हैं? किसके कारण? एनाफेज के कारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? निम्न में से कौन सा मानव वक्र प्रत्यारोपण की स्वीकृति को करने के लिए प्रयुक्त तो होते हैं? क्या है प्रश्न कि मानव वृक्ष प्रत्यारोपण की स्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त तो होते हैं? इसको कौन सा अंग है जो वृक्ष प्रतिलोन एंटीबॉडी, क्या है? मोनोक्लोन एंटीबॉडीज MABS, ये है प्रत्यावृक के प्रत्यारोपण की स्वीकृति को रोकने में प्रयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं? मोनोक्लोन एंटीबॉडी एंटीबॉडी। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न दिया गया है कि जब वस्तु की वक्रता केंद्र के पीछे रखा, जब वस्तु को केंद्रता केंद्रता
केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न क्या, एक बार फिर से देखिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है वास्तविक और उल्टा। तो जो अवतल दर्पण है वो कैसा हो जाता है? वास्तविक दिखता है। और कैसा दिखता है? उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों की संभावित हानि से बचाता है? प्रश्न क्या, एक बार फिर से देखिए कि विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों की संभावित हानि से बचाता है, तो कौन बचाता है? फ्यूज। जो घर में लाइट वगैरह होती है बोर्ड में, अगर कहीं खराब हो जाती है तो सबसे पहले क्या जलता है? फ्यूज। वही प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों की संभावित हानि से बचाता है और जो वस्तुएं होती हैं उनको जलने से जब वो फ्यूज जल जाता है तो घर में लाइट चली जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा फ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है? प्रश्न क्या, एक बार फिर से देखिए कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड विभव पर किस पर निर्भर करता है? तो धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की कोमलता पर करता है। किस पर करता है? कि धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की कोमलता पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। जो हमारा संतुलित आहार होता है, शुद्ध भोजन होता है, उसमें पोषक तत्व कौन से पाए जाते हैं? तो विटामिन व खनिज तत्व। क्या पाए जाते हैं? विटामिन व खनिज तत्व। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न दिया गया है, क्या है ट्रिप्सन एंजाइम के किस क्रिया में सहायक होता है? जो हमारा ट्रिप्सन एंजाइम होता है वो किस क्रिया में सहायक होता है? तो वो होता है प्रोटीन के पाचन में। किसमें होता है? प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सन एंजाइम क्रिया करने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह क्या करता है? परावर्तित करता है। प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिस वस्तु की वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मा की एसआई इकाई है जूल। क्या है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दंत बक में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट प्रकृति से होता है। जो दंतवक में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा इसमें कि गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन होते हैं। जो हमारा गाय का दूध होता है उसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो गाय के दूध में केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन, प्रोटीन पाया जाता है। तो अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखिए इसमें कि आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन है। प्रश्न क्या, एक बार फिर से देखिए कि आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन है। तो कैसे हैं? परमाणु संख्या। क्या है आवर्त फलन? वो है परमाणु संख्या। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस होने की संभावना है। प्रश्न क्या, एक बार फिर से देखिए कि यदि गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी प्लस में 25 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस की संभावना होती है। दर्पण और लेंस कैसे होते हैं? अवतल या उत्तल। तो इसमें, इस क्रिया में दर्पण अवतल होते हैं और जो लेंस होते हैं वो उत्तल होते हैं। कैसे होते हैं? दर्पण जो होते हैं वो अवतल होते हैं और इसमें दिए गए लेंस होते हैं
वह उत्तल होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि सेल में विभांतर किस इकाई को में मापा जाता है। जो हमारा सेल विभांतर है इसका इकाई मात्रक क्या है, तो वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या इसमें दिया गया है कि चेचक के विषाणु का नाम बताइए। जो हमारे चेचक होती है जो छोटे छोटे दाने से पड़ जाते हैं जिन्हें मिनीमाता कहते हैं, तो इसमें कौन सा विषाणु पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बेरियोला वायरस। कौन सा वायरस पाया जाता है? बेरियोला वायरस पाया जाता है मिनीमाता में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रश्न है इसमें कि सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सेफर विधि का प्रयोग रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। किसमें? जब रोगी पानी में जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसे बाहर निकालने पर उसके बाद सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, इससे व्यक्ति सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। प्रश्न क्या है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, तो पित्ताशय किसके अंदर अवस्थित होता है, तो वो होता है यकृत के अंदर। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो भी यकृत है। क्या है? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है केसर प्राप्त किया जाता है। क्या है कि केसर प्राप्त किया जाता है, केसर किससे प्राप्त किया जाता है, तो केसर पुष्प वर्तिक्रांग से प्राप्त किया जाता है। ये थी हमारी वन लाइनर क्लास, पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।